नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही पश्चिम चंपारण के बेतिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बेतिया विधानसभा क्षेत्र पश्चिम चंपारण का एक भाग है। यह पश्चिम चंपारण जिला का मुख्यालय भी है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। बेतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 8 सीटें हैं। 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद इस विधानसभा सीट में बदलाव किया गया। बेतिया विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने जहां बेतिया सीट से रेणु देवी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर मदन मोहन तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। हम बेतिया में चल रहे राजनीतिक समीकरण को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र बेतिया के राजनीतिक अतीत पर। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं साल 2015 विधानसभा चुनाव के बारे में। बेतिया सीट से कांग्रेस ने 1951 से लेकर अब तक हुए 18 चुनावों में 11 बार जीत हासिल की है। 1951 से लेकर 1962 तक कांग्रेस ने 5 चुनाव जीते, लेकिन 1967 में उसे निर्दलीय प्रत्याशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 1969 के बाद से 1985 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1990 में बीजेपी को पहली जीत मिली, लेकिन 1995 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1995 में जनता दल के बीरबल यादव के शासनकाल के बाद 2000 से लेकर 2015 तक भाजपा की रेणु देवी ने बेतिया का कार्यभार संभाला है। बेतिया विधानसभा सीट से वर्तमान में मदन मोहन तिवारी विधायक हैं, जो कि कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे। साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला था, जिसमें कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी ने भाजपा की 2010 की विजेता रही रेणु देवी को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की थी। अब अगर हम इन दोनों उम्मीदवारों के मुकाबले की बात करें तो कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को 66,463 वोट मिले थे, वहीं 2010 की विजेता रेणु देवी को 64,202 वोट ही मिले थे। यानी कि महज 2,261 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार ने इस सीट पर अपनी जीत पक्की कर ली। दोनों पार्टियों को मिले वोट के बीच के फासले से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2015 का चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद ही मुश्किल भरा रहा था। जहां पर एक पार्टी अपनी इज्जत बचाकर दोबारा सत्ता पर काबिज होना चाहती थी, तो वहीं कांग्रेस इस सीट पर जीत कर जनादेश के दिलों में अपना खोया अस्तित्व ढूंढना चाहती थी। मकसद चाहे जो भी हो, जनता का फैसला उसी के पक्ष में आता है जो उसके लिए काम करने के उपयुक्त होता है। अगर हम बेतिया के कुछ चुनावी मुद्दों के बारे में चर्चा करें तो बेतिया जिले में बिजली के बिल को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, जिसमें उपभोक्ता को अपने बिजली के बिल को सुधारने के लिए बार बार बिजली विभाग जाना पड़ता है। इसके अलावा बेतिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं होना भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। किसानों को गन्ने की खेती का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता। यहाँ किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, मिल मालिक किसानों के गन्ने को औने पौने दाम देकर ही अपना मुनाफा कमाते हैं। इन चुनावी मुद्दों के अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक बार भी उनका जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पर छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं होने के कारण इन्हें पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है। कोई बड़ा कॉलेज नहीं होने के कारण इन्हें पढ़ाई के लिए भी दूसरे शहर में जाना पड़ता है। किसानों के पास बिजली की समस्या है। यहाँ पर ट्यूबवेल तो है, लेकिन उसका बिजली से कनेक्शन नहीं होने के कारण वह हाथी का दांत बना हुआ है। यहाँ 36 ट्यूबवेल हैं, लेकिन वह सिर्फ दिखाने के लिए हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता है। सियासी पार्टियों ने अपने अपने समीकरण सेट करने में चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। 28 अक्टूबर को बिहार विधान चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ, जबकि दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगा और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगा। इस बार 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजे घोषित किए जाएंगे। बेतिया में दूसरे चरण में मतदान होना है। विधानसभा चुनाव में इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए के साथ चुनावी मैदान में है। इस बार इस सीट पर महागठबंधन की तरफ से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है, तो वहीं एनडीए की तरफ से यह सीट बीजेपी के खाते में गई है। कांग्रेस ने जहां इस सीट पर मदन मोहन तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने रेणु देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के तरफ बीजेपी ने भी अपने पुराने उम्मीदवार पर ही भरोसा जताया है और उन्हें एक बार फिर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बेतिया की जनता किसे अपना नेता मानती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।